प्रियंका चोपड़ा के रोम रोम में है रोमांस। यकीन ना हो तो देखिए नई तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म इज इंट इट रोमांटिक इजंट इट रोमांटिक 13 फरवरी को रिलीज हो रही है। 11 फरवरी को लॉस एंजेलिस में इसका ग्रैंड प्रीमियर रखा गया, जिसमें प्रियंका अपने हबी डियर निक जोनस के साथ शामिल हुई और यहां भी दोनों ने रोमांस में कमी नहीं होने दी। तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे इट इज रोमांटिक। निक ने प्रियंका और बाकी स्टार कास्ट को फिल्म के लिए बधाई भी दी। प्रीमियर के रेड कार्पेट पर प्रियंका और निक की केमिस्ट्री देखी जा सकती है। फ्लोरल फ्रॉक नुमा गाउन में प्रियंका काफी खूबसूरत दिख रही थी, तो निक में हल्दी रंग के सूट में परफेक्ट जेंटलमैन की तरह नजर आए। खास बात यह है कि फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी, मगर फिक्र की कोई बात नहीं। अगर आप प्रियंका के फैन हैं तो इस फिल्म को 28 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। टीवी सीरीज क्वांटिको के बाद प्रियंका की यह तीसरी हॉलीवुड फिल्म है। उन्होंने बेवॉच से हॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रन के साथ प्रियंका नजर आई थी। खास बात यह है कि इस मौके पर भी दोनों ने रोमांटिक दिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस फिल्म में प्रियंका ने नेगेटिव रोल निभाया था। इसके बाद प्रियंका की डॉलर किड लाइक जेक आई, जिसमें उनके साथ जिम पार्सन्स और क्लारी डेंस ने अहम भूमिकाएं निभाई। संयोग से इज इंट इट रोमांटिक की तरह यह फिल्म भी भारत में रिलीज नहीं की गई थी, सिर्फ अमेरिका और कुछ देशों में ही रिलीज हुई थी। अब तीसरी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। प्रियंका ने अमेरिकन टीवी शो और मीडिया में अपनी फिल्म का खूब प्रमोशन किया है। इज इंट इट रोमांटिक में प्रियंका का रोल ज्यादा बड़ा नहीं है, वो एक योग प्रचारक इजाबेला के रोल में है। फिल्म में लीड रोल रिबेल विल्सन निभा रही है, जिन्हें ओवरवेट दिखाया गया है। रिबेल के कैरेक्टर का नाम नटली है, जो रोमकॉम से नफरत करती है। उसे सच्चे प्यार की तलाश है। इसी जर्नी के दौरान उसकी मुलाकात प्रियंका के किरदार से होती है। इनके अलावा लियाम हेम्सवर्थ भी मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा हैं। फिल्म का ट्रेलर नवंबर में रिलीज किया गया था। फिल्म में प्रियंका अपनी कुछ बॉलीवुड मूव्स भी दिखाते हुए नजर आएंगी। निक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, अपनी खूबसूरत और हुनरमंद वाइफ प्रियंका और बाकी स्टार कास्ट पर मुझे गर्व है। यह फिल्म सबको देखनी चाहिए। इसके जवाब में प्रियंका ने लिखा है, तुम सबसे अच्छे पति हो। प्रियंका ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस रिबेल विल्सन और दूसरे क्रू मेंबर्स की तारीफ करते हुए एक नोट भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सभी साथी कलाकारों की तारीफ की है। प्रियंका ने लिखा है, सभी तरफ खुशियां और प्यार है। रिबेल विल्सन, हॉलीवुड में किसी महिला को अपने सपनों की फिल्म में देखना शानदार है। तुम्हारे पहले प्रोडक्शन के लिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं दे रही हूँ। प्रियंका इन दिनों लॉस एंजेलिस में अपने यूट्यूब शो इफ आई कुड टेल यू जस्ट ओन थिंग की शूटिंग भी कर रही है। बॉलीवुड की बात करें तो प्रियंका अब फरहान अख्तर के साथ स्काई इज पिंक में दिखाई देंगी, जिसे सोनाली बोस डायरेक्ट कर रही है। इस फिल्म में प्रियंका ज़ायरा वसीम की मॉम के किरदार में नजर आएंगी। सलमान खान की भारत से उनकी बॉलीवुड में वापसी होने वाली थी, मगर प्रियंका ने यह फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह कटरीना कैफ ने ले ली। प्रियंका की पिछली फिल्म 2016 में आई जय गंगाजल है, जिसे प्रकाश झा ने डायरेक्ट किया था।